गंगा की कटरी में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए दो लोगों को असलाह बनाते हुए गिरफ्तार किया है। मौके से बड़ी संख्या में बने और अधवने असलाह सहित असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें कि पूरा मामला सिकंदरपुर वेस्ट थाना क्षेत्र के नदरौली के गांव की कटरी का है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर कार्यवाही करते हुए मौके से जयवीर और ब्रजेश शर्मा को असलाह बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस को 8 अवैध तमंचा, 5 कारतूस, 10 अधबने तमंचे सहित हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए अभियुक्त को पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने प्रेस वार्ता कर जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पकड़ी गई है, क्या मामला है? देखिए, लगातार चलते हुए अपराधियों के खिलाफ के अभियान में मेरे द्वारा टीमों का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में इलिसिट लिकर, इलिसिट इलीगल जो वेपन्स है उस पर कार्रवाई हेतु टीमों का गठन किया जा रहा है। कल जो है ग्राम नरदौली जो पड़ता है सिकंदरपुर वेस्ट एरिया में, वहाँ पे एक अवैध असलाह की फैक्ट्री चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें मौके पे जो है वो एसओजी टीम और थाने की पुलिस द्वारा दबिश दी गई। उसमें लगभग 10 तमंचे अलग अलग बोर के, 315 बोर के लगभग 9 तमंचे और एक जो है 12 बोर का ये उसमें मिला है। साथ ही में कुछ जो पार्ट्स होते हैं फैक्ट्री में, जो औजार होते हैं वो सारे चीज़ें मिली हैं, ना कुछ कारतूस मिले हैं इसमें। इन लोगों के इसमें लगभग 2 लोग जो है वो अन्य फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए कासगंज से सोनू दुबे की रिपोर्ट।